कर शास्त्रों की बातें मैं अगर सुना देता हूँ तो बंधु शास्त्रों की बातें जिसने शास्त्र का निर्माण किया है, जिन्होंने अनुभव अपने उस शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुँचाया है, हमें दिया है, वो उनकी अनुभूति हो तो हमारे लिए एक मार्ग हो सकता है, परंतु हमारे लिए वही सच है जो हमारे हम स्वयं क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और बंधु स्वाध्याय का मन सहज रूप में प्राप्त नहीं होता, और स्वाध्याय के लिए मन में जिज्ञासा का होना परम आवश्यक होता है। एक व्यक्ति बंधु जा रहा था, जाते जाते रास्ते में देखा कि धर्म स्थान पड़ रहा है, और अपनी घड़ी की ओर जब उसने दृष्टि डाली तो घड़ी में 15-20 मिनट का वक्त अभी उसके पास है। दुकान खोलने से पूर्व उसके पास थोड़ा सा वक्त बचा हुआ था, और वो व्यक्ति भवन में जाता है, जैन किसी धार्मिक स्थान में चला जाता है, और धार्मिक स्थान में किसी साधु के दर्शन करने के बाद साधु अपने स्वाध्याय में तल्लीन है। साधु के उस स्वाध्याय की अवस्था को देखकर उस व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि ये साधु मुझसे कुछ पूछे, ये साधु अब मुझसे अपने हालचाल को पूछे, ये हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है। और हमको भी ऐसा लगता है जब हम किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे हालचाल को पूछे, हमारी अवस्था को पूछे। मतलब साधुओं को बहुत अधिक रुचि उन बातों में नहीं होती जब वो स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तो मतलब स्वाध्याय की बात, अपने अनुभव की बात किसी व्यक्ति को तो कह सकते हैं, परंतु उसके गृहस्थी की बातों को जानकर उसमें अत्यधिक रुचि को लेकर मतलब अपने मन में हलचल पैदा करना, यह भी हमारा अपना कार्य होता नहीं है। फिर भी सामान्य रूप में व्यक्ति की अपेक्षा रहती है कि हमसे पूछा जाए, हमसे दो चार हमारे घर की बातें जानने की कोशिश करें, जिसके मैं अपनी पीड़ा को क्या कर सकूं, थोड़ा सा बांट सकूं। और पीड़ा भी किसके समक्ष बांटेगा, उस साधु के समक्ष बांटने की कोशिश करता है। तो मतलब साधु के समक्ष वो व्यक्ति, कभी कभी आने वाला व्यक्ति आज संतों के चरणों में पहुँच करके जब उसने थोड़ा प्रतीक्षा किया, साधु की साधु के द्वारा कुछ शब्द मुझसे पूछे जाएंगे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु साधु कुछ विशेष अध्ययन में लगे हुए थे, विशेष चिंतन उनका चल रहा था, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, तो सहज रूप में वो आशीर्वाद दिया जाता है। उन आशीर्वाद को देने के बाद अपने स्वाध्याय में जब तल्लीन हुए तो व्यक्ति ने सोचा मुझे स्वयं को ही क्या करना पड़ेगा, संतों से बात करके स्वयं ही वार्तालाप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बंधु संतोष से उसने पूछा कि महाराज आप कितने बजे उठते हैं। जब उसने ये पूछा कि कितने बजे उठते हैं तो संतों ने उत्तर दिया कि 2-2:30 बजे के करीब हम लोग उठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप 2-2:30 बजे उठ के करते क्या है। तो उन्होंने कहा करने के लिए बहुत सारा काम है, क्योंकि लोगों को ये भ्रम होता है साधुओं के पास कुछ काम होता नहीं है, साधु तो बेचारा खाली रहते हैं। कई लोग तो आके साधु से ये भी पूछते हैं कि महाराज इतने लंबे दिन हैं आप कैसे टाइम पास करते हैं। ये लोगों की अपनी समस्या है, ये उनकी अपनी दृष्टि होती है। ऐसा उस व्यक्ति ने भी पूछा कि महाराज 2 बजे से आप उठ करके आप करते क्या है। तो साधु ने कहा है करने के लिए हमारे पास बहुत सा वक्त है, इतना वक्त भी हमारे लिए कम महसूस होता है कि हम जब उठते हैं ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, माला जाप आदि अनेकों कार्य हम करते हैं। तो उसने कहा कि आप 2-2:30 बजे के उठ करके इतनी देर तक क्या आप जब धर्म ध्यान करते हैं तो आपका मन लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही है कि हमारा मन लगता नहीं। और मन नहीं लगता समस्या ये नहीं है, मन उन चीजों पर नहीं लगता जिन चीजों पर लगना चाहिए, और जहां मन को नहीं लगना होता है, जहां हमारी रुचि है वहां तो हमारा मन हमारा साथ दे ही देता है। तो बस जहां रुचि है, रुचि जहां होती है वहां मन क्या करता है, साथ देता ही है। तो उसने कहा कि महाराज इतने लंबे समय तक आपका मन टिक जाता है। तो संतों ने कहा इस आदमी को सहज रूप में कोई उत्तर दिया जाए तो ये समझने योग्य व्यक्ति नहीं, क्योंकि साधु ने उसकी अवस्था को देखकर, उसके हाव-भाव और बोलने के तरीके को देख करके उनको पता चला इसको समझाने के लिए दूसरा ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तब साधु ने कहा अरे भाई तू काहे को 3-5 कर रहा है, इस तरह की बातों में क्यों समय बर्बाद कर रहा है, 7 दिन में तो तेरी क्या होने वाली है।
मृत्यु होने वाली है, 7 दिन तेरी मृत्यु के बचे हैं और तू इस तरह की गफलत में पढ़कर के हमारे से इस तरह की वार्तालाप कर रहा है। जब संतों के सामने ये बातें रखी गई तो संतों ने जब उस व्यक्ति के समक्ष ये बातें कही तो बंधु उस आदमी के मन में क्या हुआ, एकदम से ऐसा लगा 7 दिन में मेरी मौत होने वाली है। बंधु उसको एकदम से सहम गया और वो हिसाब किताब करने लगा, मेरे लिए जीवन में काम तो बहुत है परंतु वक्त मेरे पास सिर्फ 7 दिन का है। और बंधु थोड़ा सा सोचने लगा, सोचते सोचते उसने साधु को हाथ जोड़े और वहां से निकलता है और जा रहा था दुकान में। अब व्यक्ति से दुकान जाया नहीं जाएगा क्योंकि बंधु वास्तविकता यह है कि आज हम गफलत में हैं, प्रमाद में हैं, इसलिए संसारी कार्य में हमें इतनी गहरी रुचि और गहरे सांसारिक कार्यों के प्रति हमारी जो गहरी मूर्छा होती है ये तो बंधु हम भूल जाते हैं कि हमको एक न एक दिन संसार से विदा होना पड़ेगा। ये जिन जीवन क्षण भंगुर है इसके अभाव में ऐसा होता है। और वो व्यक्ति दुकान में जाने की जगह घर में जाता है और घर में जाकर के उसने देखा कि अब मुझे करना क्या, सोचने लगा 7 दिन का वक्त मेरे पास है और 7 दिन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसने सोचा कि मेरी घरवाली बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों को धर्म स्थान से लेके आती है, पढ़ती तो वो भी नहीं है, उसको भी शौक है धार्मिक पुस्तकों को जमा करने की। उसमें से एक पुस्तक को उसने क्या किया, निकाला और निकाल करके जिस भी पुस्तक को उस जिस जो भी पुस्तक उसके हाथ में लगे और उस पुस्तक को लेके पढ़ने लगा। बंधु पढ़ते ही उसके मन में क्या, एक ही पहला ही अक्षर उसको क्या करने लगा, ज्ञान देने लगा। क्योंकि अब वो बंधु उस दृष्टि से पढ़ रहा है जिस दृष्टि से वो वास्तविक रूप में जो स्वाध्याय होता है और वो जानने लगा आखिर संसार में हम आए कहां से हैं और कहां कब तक इस संसार में रहना है और जाना कहाँ है। मतलब इस बारे में उसके मन में अनेक तरह की जिज्ञासाएं उठी और प्रथम पुस्तक को खोला और प्रथम पेज में ही मतलब उसको क्या हुआ, मतलब ऐसा शब्द मिला। और शब्द तो पहले भी थे अब भी हैं परंतु अब हमारे मन में उस सोचने की दृष्टि क्या हो गई है, चिंतन करने का ढंग बदल गया है। और बंधु पहले ही लाइन में उसको बहुत सारा ज्ञान मिला, ऐसा लगा जब उसने पुस्तक पढ़ना प्रारंभ किया, सारी पुस्तक को पढ़ डाला, कहीं कोई मन भटका नहीं। और बंधु उस पुस्तक को पढ़ते ही इतनी रुचि पैदा हुई और रुचि पैदा होते होते सारी पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक में इतना सारा ज्ञान उस व्यक्ति को मिल जाता है। और बंधु ज्ञान तो हर शास्त्रों में है, हर भगवान की एक एक वाणी में, भगवान के एक एक शब्दों में न जाने कितना संसार का गूढ़ अर्थ होता है। परंतु हम लोग पढ़ते कैसे, ऊपरी ऊपरी तल से बंधु, बस टाइम पास के लिए हम लोग क्या कर जाते हैं, पढ़ लेते हैं, मन से रुचि या श्रद्धा से उस चीज को हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो पढ़ते 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 बंधु उसके मन में इतनी रुचि आई और उस पुस्तक के अंदर मृत्यु के बारे में, जीवन के बारे में, पूर्व जन्म के बारे में और ऐसे किताब पढ़ते पढ़ते दूसरी पुस्तक को पढ़ा। और बंधु 7 दिन का वक्त उसका ऐसा गुजरा, पहले ही पुस्तक में उसको इतना कुछ ज्ञान मिल गया और बंधु आत्मचिंतन करने का रास्ता मिल जाता है, स्वयं को देखने का ढंग मिल जाता है, ध्यान क्या है और ध्यान को कैसे किया जाता है और ध्यान क्यों किया जाता है, इन सारी चीजों का ज्ञान उसको उस पुस्तक में से मिला। और मिलकर के बंधु 7वें दिन आते आते 8वें दिन का सूर्य उदित होने से पहले ही उसने बंधु संथारा विदा कर लिया। संथारे का मतलब मृत्यु के स्वागत की तैयारी उसने कर ली। और स्वागत की तैयारी करने की शक्ति और क्षमता तब आती है जब बंधु हमारे पास वो पूंजी होती है, हमको ऐसा लगता है कि ये पूंजी मैं परलोक में भी ले जा सकता हूँ। बंधु कौन सी पूंजी है, मेरे जो सत्कर्म है वो सत्कर्म रूपी पूंजी में इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी अपने साथ में ले जा सकता हूँ। तब तो जाकर के हमारा मन क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है। आज हम मरने से इसलिए डरते हैं कि हमको पता है हमने जीवन में कुछ किया नहीं है और मरेंगे, मरने के बाद न जाने कौन सी गति में जाकर के इस आत्मा को जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ तो सुख मिल रहा था, यहाँ इतने संबंध बनाए थे, यहाँ इतना कुछ हमने जमा किया था परंतु अभी सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा, दूर हो जाएगा और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। यही उसको क्या करता है, भय सताता है। उस आदमी ने जब बंधु 7वें दिन मतलब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है और मृत्यु से डर नहीं रहा है, भयभीत नहीं हो रहा है, भयभीत न होने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आज उसने वास्तव में क्या कर दिया,
स्वाध्याय किया। वास्तव में उसने जो स्वाध्याय किया और उस स्वाध्याय के कारण आत्मबल बढ़ा, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उसने स्वयं को जाना, स्वयं को देखा। और हम स्वयं को देखते हैं तो बंधु बहुत कुछ हमें संसार में प्राप्त हो सकता है, परंतु हमारी अवस्था तो ऐसी है, हमने क्या दूसरों को ही देखना शुरू किया, औरों में ही हमने क्या किया अच्छाइयां और बुराइयां ढूंढनी शुरू की। ढूंढते हैं, हो सकता है औरों में हमने अच्छाइयां भी खोजी हो और अच्छाइयों के साथ साथ हमें बुराइयां नजर आई हो। ये सारी चीजें, ये खेल हमारा न जाने कितने जन्मों से चल रहा है, परंतु जब हम स्वयं को देखना शुरू करेंगे तो बंधु हमें हमारे जीवन में जो आनंद, जो सुख की अनुभूति मिलनी चाहिए वही मिल सकती है। इसलिए हम जो हैं उसको जानने के लिए स्वयं का अनुभव परम आवश्यक होता है। जैसे दर्पण है, दर्पण हमें वंदो हमारा कुरूप और सुरूप के दर्शन करवाता है, ऐसे स्वाध्याय भी हमें हमारी वास्तविक अवस्था का दर्शन कराने में मंदो सक्षम है। और स्वाध्याय के माध्यम से ही हम स्वयं को देख सकते हैं और स्वाध्याय करेंगे तभी जाकर के जीवन में हमारे को आनंद की उपलब्धि होगी। इसी तरह का श्रेणी चरित्र में कुछ घटनाएं चल रही हैं, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी चरित्र सुनाते हैं, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का प्यारे की प्यारी बाजार से त्यो की प्यारी जा दो वस्तु तुझको दिलवावे वो अपना मेहमान। श्रोता सुन लो श्रेणी का चरित्र सुनाते उसको कहना समय देख कर घर पे आप पधारे। इतना सुन के दासी आई फिरती मध्य बजारे। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर नंदा ने अपनी चतुर दासी को दो वस्तु लेने के लिए बाजार में भेजा और उसने ये कहा कि जो भी ये दो वस्तु तुम्हें दिलवा दे वो हमारा मेहमान होगा। और वो प्यारे की प्यारी और पीहू की प्यारी, ये जो दो वस्तु हैं ये लेने के लिए जब दासी बाजार में जाती है और जाकर दुकान में पूछना प्रारंभ किया कि आपके दुकान में पीहू प्यारे की प्यारी और पीहू की प्यारी वस्तु मुझे मिल सकती है, उन लोगों को ये नाम पहली बार सुनाई दिया था और उनको लगने लगा कि आज तक ऐसी चीज़ तो हमने कभी सुनी नहीं है और ऐसी चीज़ की जो मांग की जा रही है जो हमारे दुकान में कभी है ही नहीं और हमने कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं। तो उन्होंने गर्दन हिलाया और इनकार करते ही वो दूसरी दुकान में जाती है। दूसरी दुकान में जाकर के हर दुकान के अंदर जाकर जब उसको असफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है तो बंधु उसे दुकानदारों के समूह ने उसको क्या समझा, पागल समझा। और बंधु होता भी यही है, जब हमको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है तो जिसके पास ज्ञान होता है वो तो ज्ञानी व्यक्ति को भी कभी कभी हम लोग पागल समझ बैठते हैं। और बंधु ये मतलब नहीं होता कि हम लोग सामने वाले को क्या करें, दिमागी रूप से विक्षिप्त समझने का अधिकार हमको नहीं है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक, हर व्यक्ति का एक ढंग होता है, तरीका होता है। आज हम लोग स्वयं देखें, जैसे स्वाध्याय की चर्चा आपके समक्ष चल रही है और वह चल रही थी, तो बंधु स्वाध्याय के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को देखें तो हमारी वास्तविक अवस्था को अगर हमने देखना है तो बंधु हम लोग भी किसी पागल से कम है नहीं। और हमारे मन की अवस्था को देखें और मन कितना चंचल होता है, मन कहाँ कहाँ भटकता है, थोड़ी देर के अंदर इस मन ने कितनी लंबी यात्रा, कितनी दूरी की यात्रा करके और भटकता हुआ क्या करता है, घूम रहा होता है। जैसे सामान्य रूप में दिमाग के रूप में विक्षिप्त व्यक्ति मतलब जो वो कार्य कर रहा होता है, एक जगह पर बैठा है और अनेक तरह के क्या करता है, वो वस्तुओं का संग्रह करता है,
देखा होगा आप लोगों ने, पागल होता है बिस्लेरी की उन बोतलों को क्या करता है, जमा करता है, फटे उन कागजों को जमा करता है, कोई भी चीज उसको मिलती है और उन चीजों को इतना बंद श्रद्धा से और इतनी भावना से उनको संग्रहित करके अपनी एक जगह पर ढेर लगवा देता है। और उस व्यक्ति की इस कार्यकर्तृत्व को देखकर, उस व्यक्ति की इस कार्य को देख करके हमें लगता है कि व्यक्ति दिमागी रूप में विक्षिप्त है, पागल है। कभी कभी बंधु हमारी अवस्था ही तो कुछ ऐसी नहीं है कि हम भी तो इसी तरह से संग्रह नहीं कर रहे होते हैं। आज हम लोग घर में बैठे थोड़ी देर सोचे, किसी भी चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं होती। जब आप जाकर के किसी शोरूम में घुस जाते हैं या बाजार से घूमते हैं, तब जाकर तुरंत आपके दिमाग में एक बात घूम जाती है, ये वाली चीज़ क्या कर लो, खरीद लो, क्या पता ये क्या कर जाए, फलाने काम आ जाए। ऐसा सोच सोच के न जाने कितनी वस्तुओं को हमने अनावश्यक अवस्था में खरीद करके घर में ला के जमा किया और एक साल तक वो वस्तु काम में नहीं आती। जब दीपावली की सफाई करते हैं तब हमको दिखाई देता है, ये मैंने खरीदा तो था परंतु एक साल तक उस काम, हम उसको बड़े आराम से पागल कह देते हैं, परंतु हमने जो संग्रह किया है हमको ऐसा लगता है कभी न कभी तो काम आएगा, ये काम आ सकता है, वो काम आ सकता है। हर वस्तु को हमने क्या कर दिया, जमा करना प्रारंभ किया और हमारी भी अवस्था कुछ ऐसी होती है। तो बंधु स्वाध्याय हमें वो मार्ग दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है कि मैं अपने आप को क्या करूं, हल्का करूं और मैं अपने आप को उन वस्तुओं के आकर्षण से अपने आप को बचा लूं। तो ऐसा संग्रह की वृत्ति आते ही बंधु हम भी क्या हो जाते हैं, दिमाग के रूप में कमजोर हो जाते हैं। तो वहां पर जब इस दासी ने पीयू की प्यारी दो वस्तु मांगना शुरू किया, सारे दुकानदार ने उसका मजाक उड़ाया और एक दुकान में जाकर उसने पीयू की प्यारी वस्तु मांगा। तो बंधु वहां एक बेंच में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने देखा ये बड़ी कलाकार है और शरीर जिस तरह के वेश को धारण कर रखा है, जिस तरह के वस्त्रों को इसने पहना हुआ है, कोई संस्कारी घर की ये महिला लगती है और सेविका लगती है, परंतु ये जिस तरह की भाषा में व्यापारी से वस्तुओं को मांग रही है ये सामान्य बात नहीं है। बंधु पीयू की प्यारी प्यारी की प्यारी शब्द मांगते ही दुकानदार ने जब इनकार कर दिया कि यहाँ है नहीं, तब बंधु वहाँ पर बेंच में श्रेणिक बैठा हुआ था, श्रेणिक ने उस दासी से कहा रुक जाओ और बंधु उसने मार रोका। रुकते ही दासी को लगा कि ये व्यक्ति क्या हो सकता है, हमारा मेहमान हो सकता है, जिसकी खोज में मैं आई हूँ, लगता है कि यही व्यक्ति वो है। और एकदम से वो खड़ी हो गई, उस व्यक्ति को देखा ऊपर से नीचे तक, और देखने के बाद उसको एक विश्वास ये भी हुआ उसके रूप को देख करके, उसकी अवस्था को देख कर। तब बंधु श्रेणिक ने उस दुकानदार से दो चीज़ें क्या कर दी, कहा ये दो चीज़ें इसको क्या कर दो, दे दो जिस चीज़ के लिए आई है, जिस चीज़ को खरीदने के लिए आई, और आपसे जो बातें कह रही है ये दो चीजें क्या है, इसको आवश्यकता है, इन चीज को तुम दे दो। तो बंधु वो दो वस्तुएं कौन सी थी, पियो की प्यारी भंग दीजिए ले लो इसमें से दान, प्यारी की प्यारी है मेहंदी दो चीजों के नाम, श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चरित्र सुनाते हैं, चरित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा ज्ञाते हैं, सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का। तो राजकुमार श्रेणिक ने उस दासी को रोका और उस दुकानदार से कहता है जो पीयू की प्यारी के रूप में इसने जो वस्तु मांगी है वो पीयू की प्यारी है भांग और प्यारी की प्यारी है मेहंदी, ये दो वस्तु निकाल के इसको क्या कर दो, दे दो। कि मन तो जैसे पीने वाले लोगों के लिए, उस समय के जमाने में पीने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए जो प्यारी वस्तु है वो भांग, उस समय में उस एरिया में भांग का उपयोग अधिक होता होगा और हो रहा होगा, तभी जाकर के पीने वाले लोगों के लिए सबसे प्यारी वस्तु है भांग। और प्यारी की प्यारी मतलब महिलाओं के लिए जो श्रृंगार में आज भले अनेकों साधन संसाधन आज हमारे पास है, परंतु उस समय मेहंदी को क्या किया जाता था, सुंदरी जो महिलाएं हैं उनको अपने हाथ में सजाकर, उन जो प्यारी महिलाएं हैं और उनके लिए सबसे प्यारी वस्तु
त्या मेहंदी हुआ करती थी, तो बंधु पीयू की प्यारी भंग और प्यारी की प्यारी मेहंदी के रूप में दो वस्तुएं जब उस दासी को दे दिया गया, और दासी बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है, और खुश होकर के वो चलने की तैयारी कर रही है, उससे पहले बंधु उसने शरणी को इशारा किया और इशारा करके अपने घर की ओर आमंत्रण करती है सीधे उसने, क्योंकि बंदो जो समझदार लोग होते हैं वो भी क्या करते, संकेत की भाषा बोलते हैं, डायरेक्ट भाषा वो बोलते नहीं है। उसने भी क्या कर दिया, कुछ ऐसे संकेत कर दिए, उस संकेत को समझ करके शरणी को पहुंचना है, और किस तरह का संकेत करती है और कौन से संकेतों से वो निमंत्रण देती है, इस समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से आप और हम सब लोग जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। प्रसंग चल रहा है पपाचार का, ये चरित्राचार के अंतर्गत चौथे नंबर पर पपाचार आता है। तप क्या है और तपश्चर्या का आचरण कैसे किया जाता है और तपश्चर्या कितने प्रकार से की जा सकती है, ये सब बातें यहाँ पर चल रही हैं। अनशन तप और उनुदरी तप के बाद शास्त्रकार तीसरे नंबर पर भिक्षाचारी तप का प्रकरण देते हैं। तीसरा तप है भिक्षाचारी तप, भिक्षा का आचरण, भिक्षावृत्ति। इसको शास्त्रकारों ने तीसरे तप के अंतर्गत रखा है। तो तपश्चर्या करना पहला अनशन है, भोजन पानी को छोड़ना। दूसरा उनोदरी के अंतर्गत कभी भी भूख से कम खाना, ये तपश्चर्या को बतलाया। और उनका स्वरूप क्या है ये सामान्य रूप से आप लोगों के समक्ष रखा जा चुका है। तीसरा तप है भिक्षाचारी का, ये भी बहुत कठिन तपश्चर्या है। भिक्षुवृत्ति, भिक्षाचार और भिक्षा से गुजारा करना, ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें सबसे पहले अपना मान, अपना सम्मान, अपनी गरिमा, उस सब को जो है छोड़ना पड़ता है। एक श्रावक भी, एक गृहस्थ समाज के अंदर रहने वाला, वो भी कभी तकलीफ में आता है, परेशान होता है, काम कारोबार बंद हो जाता है,
नुकसान लगता है, बच्चों को भी देने के लिए भोजन नहीं रहता, खुद तपस्या कर लेता है, अनशन कर लेता है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना उसकी हिम्मत नहीं करता, उसको बड़ी तकलीफ है किसी दरवाजे के ऊपर जाकर के मैं हाथ फैलाऊं या भीख मांगूं। तो ये वृत्ति बड़ी कठिन वृत्ति, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए भिक्षा वृत्ति बहुत कुछ अपने मान सम्मान को छोड़ने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि कोई सेठ है जिंदगी भर देता रहा है, राजकुमार है, राज परिवार में जन्म लिया है, संपन्न परिवारों के अंदर जन्म लिया है, फिर दीक्षा ली तो भिक्षा पात्र लेकर के चलना पड़ता है। तो एक आदमी हमेशा देता रहा, उसको लेने में कितने कठिन काम होता है उसके लिए। ये वही लोग अनुभव कर सकते हैं ये कितनी कठिन तपस्या है, जिन्होंने कभी भिक्षा वृत्ति को जीवन के अंदर अपनाया नहीं है। और कोई नौजवान बलशाली है, अच्छा वाला दिखने वाला है, अगर वो भिक्षा वृत्ति करे तो लोग तत्काल टोक देते हैं, कमाया नहीं जाता, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया है, कमा करके नहीं खा सकते। ऐसी बात बोल देते हैं, अगले को मरने के बराबर हो जाता। तो भिक्षा वृत्ति आसान काम नहीं, बहुत कठिन चर्या है। और अपने जैन शासन के अंदर भिक्षा वृत्ति तो अत्यंत कठिन है, दूसरे समाज में भिक्षु है, चलो भाई अब साधु है, साधु भेष है, दीक्षा ली है, तो घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, जो मिला लेकर के आ जाएंगे, कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी दाता अच्छा मिलता है, सामान्य मिलता है, कभी तो बड़ा उदार मिलता है, लेते हैं आते हैं, जितना उस दिन लगे लगा लेते हैं, बचता है तो दूसरे दिन के लिए रख लेते हैं, अगर कोई पैसा देला भी देता है तो भी ले लेते हैं, चलो भिक्षा में तो दिया हुआ है, वो आगे काम आ जाएगा। और ये जैन भिक्षा वृत्ति तो और बड़ी परेशानी, और कोई कहता ले लो, तो नहीं ये हमारे को नहीं चाहिए, उन्हें कहा क्यों नहीं चाहिए, उन्हें कहा शाम को तो रख नहीं सकते, रात को तो रख नहीं सकते, कल के लिए तो इकट्ठा करके रख नहीं सकते, ले जा करके क्या करेंगे, वो भी लेना और वो भी बना हुआ लेना, कच्चा ले तो आदमी आटा तो इकट्ठा करके रख सकता है, चावल रख सकता है, अगर पका हुआ चीज कैसे रखेगा, बना हुआ ले, और उसमें भी वही लेना नहीं, बना हुआ भी हो तो 32-42 दोष टाल करेगी, उसमें उत्पादन के दोष हैं 16, उद्गमन के दोष 16 हैं, फिर ऐषणा से 10 दोष हैं, ऐसे 42 दोषों को टाल करके लाना, कहीं भी गए अगले ने ला करके कहा महाराज ले लो, उन्होंने अब उसमें 10 बातें तो उनको देखना पड़ेगा, इसके अंदर कोई दोष तो नहीं, बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। भिक्षा वृत्ति, जिसको भिक्षाचारी तप कहते हैं, और वो भी जैन साधु साधवियों की भिक्षा वृत्ति, अगर इन नियमों को पालन करते हुए करे तो उसको न मालूम कितने बार सहज रूप से उपवास करना पड़ता,
बिना मन के ही उपवास करना पड़ता, भूखा रहना पड़ता। तो जैन भिक्षावृत्ति ये बहुत कठिन तपस्या है, इसलिए शास्त्रकारों ने तीसरे नंबर पर रखा है। महीने महीने की तपस्या करना आसान है, लेकिन 47 दोष टाल करके 42 दोष तो लाने के और 5 दोष खाने के, खाते समय भी अगर ऐसा 5 चीजें हैं ऐसा करे तो दोष लगता है, तो उसको मांडले के दोष कहते हैं। ऐसे 47 दोषों को टाल करके अगर भोजन करते हैं तो इसको कहते हैं भिक्षावृत्ति, जैन भिक्षावृत्ति। भिक्षाचार, गोचरी, मधुकरी, ऐषणा समिति, ये सब इसी के नाम। वृत्ति संक्षेप, ये भी इसी का नाम। तो बड़ी कठिन तपस्या, कोई कोई भागशाली पुण्यशाली तपते हैं। और इसमें भी अब इतने नियम बताए हुए हैं, इतने सब कुछ मर्यादाएं बताई हुई हैं। भिक्षावृत्ति कर रहा लेकिन कहता है मैं तो चौके में जाके लूंगा, क्योंकि तो चौके में जाके लेगा। उन्होंने कहा चौके में ले जाना है तो अपना कमा करके खा ले, कौन चौके में घुसने देता, चौके में कौन घुसने देता। वो तो आप लोग जानते हैं, श्रावक श्राविका है, पता है, श्रद्धा है, सद्भावना इसलिए उपलब्ध होता है। अनजान क्षेत्रों में जाओ जहां पर हमारी वृत्ति को नहीं जानते वहां पर जाओ, जहां पर हमारा परिचय नहीं है वहां पर जाओ, और वहां पर अगला देता है फिर कहता है ऐसा तो नहीं लेते, ऐसा तो नहीं लेते। अरे एक तरफ मांगते शर्म नहीं आती, दूसरा ये नहीं करते वो नहीं करते, क्या कुछ सुनना पड़ता है, बड़ी भारी परेशानियां रहती। ये तीसरा तप तपना ये बहुत कठिन काम है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया ये तीसरा तप ऐसा है, खाते हुए भी उसकी तपस्या होती, भोजन करते हुए भी वो निराहार होता है। वो भोजन कर रहा है लेकिन इस तीसरे भिक्षाचारी तप के नियमों के अनुसार कर रहा है, इसलिए खाते हुए भी वो अनशन में है, खाते हुए भी खाया हुआ नहीं है, वो खाते हुए भी अपरंपार कर्मों की निर्जरा करता है। लेकिन इतनी जागरूकता रहे और इतने शास्त्रीय विधान से अगर आदमी तीसरे व्रत की आराधना साधना करे, और साधु संत तो ऐसे होते हैं इसमें भी उनको संतुष्टि नहीं होती, फिर ऊपर से अविग्रह कर लेते हैं, और वो अविग्रह फलना तो और मुसीबत होता है। घोर तपस्वी नियालचंद जी महाराज साहब कई बार अविग्रह कर लेते, कई बार अविग्रह कर लेते, और कभी कभी तो छोटा छोटा अभिग्रह फलने में 7-7 दिन लगते हैं, 8-8 दिन लग जाते हैं। अभिग्रह करना मतलब कोई ना कोई शर्त रखना, अगर ऐसी बात हुई तो मैं लूंगा वरना नहीं लूंगा। जैसे केसरी सिंह जी महाराज साहब ने अभिग्रह धारण किया, 8 दिन का उपवास किया, फिर उसके बाद अविग्रह धारण किया। अगर हाथी मिठाई बहराएगा तो पार ना कर लेंगे वरना नहीं करेंगे। अब बताओ अब हाथी कहां से आकर के बहराएगा। और ऐसे अविग्रह करने वाले को आगे मर्यादा रखनी पड़ती है, लिख करके रखना पड़ता है कि अगर ये अविग्रह नहीं फला तो मैं 60 दिन के बाद पार न कर लूंगा, या 50 दिन के बाद पार न कर लूंगा, 40 दिन के बाद पार न कर लूंगा,
अगर ये अविग्रह नहीं फलता है तो इतने दिन तक मेरी तपस्या रहेगी। ये लिख करके एक परिचय अपने पास रख लेता है, एक अपने गुरु के पास रहता है, और गुरु का भी ये कर्तव्य होता है वो पर्ची खोल करके ना देखे। अगर वो पर्ची खोल करके देखता है तो उसको दोष लगता है, उसको प्रायश्चित आता है, और किसी को बताया भी नहीं जाता। गोचरी के समय जाते हैं, घूम करके आ जाते हैं, ऐसा अभिग्रह फला तो लेते हैं, नहीं फला तो फिर उनका उपवास होता है, ऐसे चलते रहते हैं। तो ये कितनी कठिन चर्या है, कितनी कठिन आराधना साधना है। पूज्य काशीराम जी महाराज साहब जिस समय करनाल से उन्होंने बिहार किया, उस जमाने की बात थी, चारों तरफ ऐसे ही थे, और उन्होंने जाना था कुरुक्षेत्र जाना था, तब रोड राड तो कुछ बने हुए नहीं थे, पगडंडियों से होकर के जाना पड़ता था, कच्चे रास्ते थे, वो रास्ता भूल गए कुछ ऐसा, पगडंडी इधर जा रहे इधर जा रहे, जरा सा गोल हो गया तो कहीं के कहीं पहुंचे। सारा दिन चलते रहे गर्मी में, दोपहर तक हो गया, लेकिन वो आया ही नहीं। उन्होंने सोचा बात क्या हुई, क्या बात। और जिस समय पता लगाया, कोई किसान वगैरह मिला, उससे पता लगा महाराज यहाँ तो बहुत उल्टा रास्ता आ गया, जाना कहीं था रास्ता भूल गए, इधर आ गए। दोपहर का समय, भयंकर गर्मी, इतनी प्यास। उन्हें सोचा कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जाने के बाद वहां पर कुछ न कुछ योग भाई बनेगा तो ले लेंगे, गर्मी का भयंकर मौसम, रास्ता भूल गए। दोपहर, दोपहर भी ढलने को हो गया और इतना भयंकर वातावरण, और वो किसी गांव के अंदर पहुंचे, पता लगा रास्ता तो हम भूल गए। अब जिस समय जाकर के बैठे, अब वहां क्या गोचरी मिलनी, क्या पानी मिलना, या तो गर्म पानी लेते हैं या प्राशु पानी लेते हैं। तो उन्होंने सोचा भी करें तो करें क्या, अब वहां कोई गर्म पानी या प्राशु पानी मिलने की तो कोई संभावना नहीं, वो भी दोपहर के समय। तो उन्होंने ये घर के अंदर जाकर के पूछा कि बहन यहाँ पर लस्सी वगैरह आएगा, चलो लस्सी मिले तो उसको जिस समय आवास हुआ, ये पूजे हैं, मुनि जी हैं, और उनको प्यास लगी है लस्सी के लिए, उन्होंने कहा मैं अभी देती हूँ। और वो अंदर जाने का हर जगह तो इजाजत नहीं होता, हर घर के अंदर अंदर कैसे जा सकते हैं, जैनियों का हो तो अंदर चले जाए, वो कहते हैं आओ महाराज पगला करो विराज, लेकिन अब दूसरे घर है, मैंने कहा अभी देती हूँ। अब जैसे उसने लस्सी को देखा, वो मटके को देखा, उसमें तो थोड़ी सी लस्सी, सोचा ये बेचारा संत आया हुआ, प्यास है उसको, गर्मी का भयंकर मौसम है, इसमें तो कुछ मिले, उसका तो गला भी जयतर नहीं होगा। उसने झट से एक लोटा पानी उसके अंदर मिला दी, और वो जो उद्गमन के दोष हैं, उत्पादन के दोष हैं, माने के लिए दोष हैं, ऐषणा के दोष हैं, उसमें होता कोई भी मिला करके ले देता है तो उसको हम ले नहीं सकते। उसने फटाफट पानी उसके अंदर मिला दिया, और मिला करके जिस समय बाहर आई, निकल ले लो महाराज। उन्होंने देखा पानी मिलाते समय उसके पानी के कुछ छींटे ऊपर, उस लस्सी के मटके के ऊपर छींटे दिखाई दिए, पानी के छींटे दिखाई दिए। पूज्य कांशीराम जी महाराज साहब समझ गए इस बहन ने इसके अंदर पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। अगर सीधा पूछे भाई इसमें पानी मिलाया तो हाँ थोड़ी कहेगी, हाँ कहेगी क्यों, उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज पानी थोड़ी मिलाते, कोई भी कैसे कहेगा, अपने ही लोग नहीं कह सकते। जैसे दाल कम हो जाता है तो दाल में भी पानी मिला दिया जाता है, और कोई कहते तुमने इसमें पानी तो नहीं मिलाया, तो अच्छे से अच्छा शराब अगर कहाँ महाराज पानी मिला है, ले लो आज पतली दाल बन गई, ये तो बोलेंगे, कौन कहेगा पानी मिला है। और कभी संगत की भी चीज होती है, कोई बात होती है, साधु संत पूछते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये दूसरे बहुत से साधु संत तो आकर के पूछ लेते हैं, हमारे निमित्त से तो नहीं बनाया, हमारी याद तो नहीं आई बनाते बना, ना ना बिल्कुल याद नहीं आई, जबकि
श्रावक श्राविका हमेशा सोचते हैं गांव में साधु सती हैं तो जल्दी करो भाई, ठीक ठाक करो, फटाफट कर लो, साधु संत आ सकते हैं। वो तो हर श्रावक के मन के अंदर भाव रहता। कोई भी श्रावक का घर रहेगा वो कहेगा कि हर हालात में करे, समय पर बनाया करो, ये सब्जी वगैरह इधर रख रखा करो, साधु संत हैं कभी भी आ सकते हैं, ये तो हर घर के अंदर चर्चा होती। लेकिन उस समय कह रहे तुमने हमारे निमित्त से नहीं किया, ये तो नहीं किया, महाराज आएंगे तो देंगे। ना ना बिल्कुल भी नहीं, अब हाँ थोड़ी कहेंगे तुम्हारे लिए। अब ये साधु संत तो समझते हैं लेकिन फिर भी पूछताछ करके काम पूरा कर लेते हैं, चलो भाई ठीक है हमारे लिए नहीं बना है तो निर्दोष हो गया, उसने किया तो उसका पाप वो भुगते, हमारे को क्या लेना देना, झूठ बोला तो उसने बोला। लेकिन अब ऐसी स्थिति के अंदर सच बोलना बड़ा मुश्किल का काम होता। तो आचार्य भगवान ने देखा पानी तो इसने मिलाया, क्योंकि पानी की बूंदें उसके ऊपर दिख रही हैं। और मैं पूछूंगा पानी मिलाया तो ये तो कभी भी हाँ नहीं बोलेगी। एक ग्रामीण महिला साधु के लिए ऐसा कैसे बोलेगी हाँ पानी मिला के दिया, वो तो मना ही करेगी। तो उन्होंने बड़े अदब के साथ पूछा, बहन ये बतलाओ ये जो लस्सी थी उस लस्सी में तुमने बासी पानी मिलाया ताजा पानी मिलाया है? अब ये बासी पानी ताजा पानी का मामला आ गया तो एकदम परेशानी होगी। वो तो समझ गई ना, इनको तो पता लग गया पानी मिलाया इसमें, और पूछा भी ऐसे कैसे तुमने ताजा पानी मिलाया बासी पानी मिलाया? और वहां पर झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें कहा नहीं नहीं महाराज, बासी पानी कैसे मिला सकते हैं, अभी तो बहू रानी लेकर के आई थी पानी, अभी अभी अपने ताजा का ताजा पानी मिलाया होगा। अब ऐसी गोचरी करना कितना कठिन काम। अरे हो गया, गए पानी की जरूरत थी, लस्सी की चाह की, अगले ने लस्सी दिया, लेकर के ले लो। अब ये जैन साधु की गोचरी, वो इतने दोषों को टालो, इतने दोषों को टालो, इतने दोषों को टालो, इसलिए इतने बड़ी तपस्या हो जाती। अब वो गर्मी का मौसम, गला सूखा हुआ है, शाम को मिलने की संभावना नहीं है, क्षेत्र में पहुंचने की संभावना नहीं है, हालात खराब हैं, सुबरे से एक बूंद पानी लिया नहीं है। और वो जो पानी अगर मिला, लस्सी मिला, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये पूछा भी इसमें ताजा पानी मिलाया या बासी पानी? तो बासी पानी सुनते होता नहीं मारा, हम ऐसे थोड़ी है बासी पानी मिला करके आपको देंगे, हम जानते हैं हम साधु हैं संत हैं, बासी पानी नहीं लेते, अभी अभी बहू रानी लेकर के आई, ताजा ताजा पानी मिलाया हुआ। उन्होंने कहा बहन ये लस्सी अब हम नहीं ले सकते। बंदो इसको साधारण तपस्या समझते हैं आप, बहुत कठिन तपस्या, मांस मांस खमण की तपस्या करना आसान है लेकिन ये भिक्षाचारी तप को पालन करना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल का काम, बहुत मुश्किल का काम। आखिर उन्होंने समझाया कि किसी भी चीज में अगर इस तरह से पानी मिल जाता है तो हम लेते नहीं हैं, यह हमारा नियम है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो जैसा उचित समझा उसने किया, लेकिन हम इसको अपनी मजबूरी से क्या कर सकते, नहीं ले सकते। और उन्होंने नहीं लिया। तो ये तपस्या का प्रकरण चल रहा है और भिक्षाचारी तप है और ये तीसरे नंबर पर शास्त्रकारों ने रखा है और वास्तव के अंदर अपने आप में बहुत कठिन तपस्या है। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों साधु साध्वी हुए जिन्होंने उत्कृष्ट रूप से भिक्षाचारी तपस्या को तपते तपते, भोजन करते करते तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष चले गए, ऐसे तपस्या। न खाने वाला तो जाता ही है, लंबी लंबी तपस्या करके तो जाता ही है, ऐसे भी हुए जो खाते खाते
ये भिक्षाचारी तपस्या को तपते तक भोजन को खाते खाते जो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रकरण आगे कैसे आएगा, ये तपस्या किस किस तरह से तपी जाती है और कैसे कैसे महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर तपा है, समय पर बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, किसी भी भाई बहन का एकासना विहासना हो तो एकासने विहासने का प्रत्याख्यान, आज का एकासना विहासना का बचाव बड़ी कमी वो श्री वो। आज हमारी धर्मसभा में ठेड़ दिल्ली से श्री प्रमोद जी जैन, जो आराध्य गुरुदेव के परम भक्त हैं, परिवार सहित यहाँ पर आए हुए हैं सेक्टर 5 से, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। ठेड़ लुधियाना से विनीत जी जैन, वो भी पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और आगरा से विवेक पत्राकार, और इन्होंने जो गुरुदेव के पहले आगरे का प्रवास जो इन्होंने सफल बनाया, गुरु महाराज के मंगल पाठ को प्रवचन को घर घर तक पहुंचाया, और तब पहली बार दक्षिण भारत से आगरा आते हुए आप संपर्क में आए। आप कभी जैन धर्म के जैन तो हैं, लेकिन साधु संतों के पास जाने आने का कुछ ऐसा था नहीं। तो आपकी सासू माँ जो यहीं की हैं, उन्होंने बतलाया भाई हमारे गुरु जी आ रहे हैं उनकी सेवा करना, तो एक बार गुरुदेव के चरणों में आए तो हमेशा के लिए गुरुदेव के चरणों में समर्पित हुए। और आगरे में जो चतुर्मास हुआ, हमारा प्रवास हुआ 1 महीने का, 1 महीने में सारे प्रवचन कलेक्ट करके उन्होंने अखबार में छपा करके उसका पुस्तक तक छपवाया। और पीछे मणिभद्र मुनि महाराज साहब का चतुर्मास हुआ, बड़े से बड़े कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किए, तो विवेक जी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। आप लोग आए, प्रवचन को सुना, सबको बहुत बहुत मंगल कामना। आज का आई मिल है शिखा जी जैन और कांता जी जैन, अगर आए हुए हैं तो पचखान ले लेंगे। आज के आई मिल का प्रत्याख्यान तसंते पड़ी कमर तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आज का उपवास, दोनों माताओं के आज उपवास हैं, आपकी वर्षी तप चल रही है, साता रहे ऐसी आर्थिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आज के तीव्र उपवास का बचपन आज सहसाण महत्वगण सब समय गो सर्व तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को कल रविवार है ना, आपको याद ही होगा जो महीने का पहला रविवार होता है उसमें प्रवर्तक सेवा संघ की तरफ से सामायिक दिवस रखा जाता है, तो कल का सामायिक दिवस है, उनकी तरफ से लक्की ड्रा भी रहता है। और आने वाले 9 तारीख को प्रवर्तक गुरु शांति आशीष सेवा संघ की तरफ से डायलिसिस सेंटर को
शांति लोग हॉस्पिटल में प्रारंभ करने का पूरा संकल्प है। कोई व्यवधान नहीं हुआ तो 9 तारीख को हॉस्पिटल के अंदर ये विंग प्रारंभ हो जाएगा, डायलिसिस का कार्यक्रम वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। आपकी सबकी बड़ी मनोभावना है और जैन नगर में डायलिसिस सेंटर जो प्रारंभ हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। एक परीक्षा हमारे पुनीत मुनि महाराज साहब की पहले से चालू है, जैन तत्व प्रकाश की तरफ से 100 प्रश्नों को जो है भर के रहना है। दूसरी परीक्षा और लेकर के आए हैं, वो कहते 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक देशभक्ति और स्वतंत्रता के संबंध में चित्रकला प्रतियोगिता रखेंगे। बड़े छोटे भाई बहन बच्चे बूढ़े जो भी भाग लेना चाहें 3 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और देशभक्ति और स्वतंत्रता को हमने चित्र में कैसे प्रकट करना है, ये बड़ा कठिन काम है, कंपटीशन बड़ा मुश्किल का है। तो बोलने का तो हो सकता है, भजन का भी हो सकता है, गाने का भी हो सकता है, चित्रकला स्वतंत्रता और देशभक्ति के लिए चित्रकला, तो उससे पहले आप लोग थोड़ा विचार कर लें, सोच लें, बच्चों को भी बतला दें, और ये और जानकारी लेना हो तो पुनीत मुनि जी महाराज साहब से पूछ लें। और 15 तारीख को कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का जाप है विशेष रूप से श्री सोमतीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सोमतीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सोमतीनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सोमतीनाथ भगवान को। आराध्य गुरुदेव की तबीयत नरम गरम ऐसे चलती है, सारी रात जो है वो सोते नहीं है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो हमारे संत मुनिराजों को है जो विशेष रूप से सारी रात जग करके उनकी सेवा कर रहे हैं। और मुझे तो देख करके ही बड़ा होता है कि भी आराध्य गुरुदेव की सेवा में हमारे सभी संत जो यहाँ उपस्थित हैं पूरे समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं, और उनकी स्थिति संतोषजनक अभी नहीं है। और कभी भी आप लोग उनके नाम से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तो जाप करते ही हैं, आप लोग भी जरूर प्रार्थना और जाप करते रहें जिससे गुरुदेव को साता मिले। और सारे रात में सारे दिन में 10 मिनट भी पाटे के ऊपर सोते नहीं है, नींद आ गई थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, वरना बैठना उठना बैठना उठना, 2-3 संतों की ड्यूटी और भाई लोग लगे रहते हैं तब जा करके थोड़ी उनको होती है। क्या होता है डॉक्टर की तरफ से हम पूछते हैं, भाई डॉक्टरों को पूछते हैं, भाई तुम लोग बताओ क्या है, वो कहते हैं हमारे हिसाब से तो गुरुदेव बिल्कुल ठीक है, वो कहते रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। और उनको पूछते हैं आपको असाता ना असाता है या कोई बेचैनी होती, वो कहते नहीं, दर्द होता है कुछ नहीं, कोई परेशानी है नहीं, कोई भूख लगती है नहीं, और कुछ भी पूछो वो कहते नहीं, लेकिन बस बैठना उठना बैठना उठना बैठना उठना, ये क्यों होता है किस तरह से होता है कुछ भी हमारे की समझ में भी नहीं आ रहा है। बस ये प्रार्थना है प्रभु से, आप लोग प्रार्थना करते रहे, उनको साता रहे, सुख शांति रहे, और हमारे संत मुनिराज बिल्कुल स्वस्थ रहें जिससे सारी रात और दिन सेवा के अंदर समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ऐसी सेवा करना वास्तव के अंदर बड़ा कठिन काम है, सेवा धर्म को निभाना भी बड़ा कठिन काम है। हमारे अभिषेक मुनिजी महाराज साहब, तीर्थेश मुनिजी महाराज साहब तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी बजाते हैं, हमारे मणिभद्र मुनिजी महाराज साहब यही थोड़ा सा उनको खाने पिलाने का और सेवा के काम में लगे रहते हैं, हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब हैं वो भी लगे रहते हैं, प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब हैं, हमारे जो पुनीत मुनि जी महाराज साहब हैं, सभी संत जो जब भी जैसा मौका मिलता है सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, किसी भी तरह से गुरुदेव को साता मिले, लेकिन हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको असाता किस बात की है और इतनी परेशानी किस तरह से रहती है। और क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर 2 दफ़ा हम भेज चुके हैं, हॉस्पिटल में तो 1 घंटा रखना भी असंभव है,
कई बार हमने सोचा चलो हॉस्पिटल में आराम करेंगे, वहाँ पर हो जाएगा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाएगा, हॉस्पिटल में उनको तो रख ही नहीं सकते। तो ऐसे हालात में हम भी क्या कर सकते हैं, बस एक प्रार्थना ही, इस समय शासन देव से प्रार्थना है भाई आराध्य गुरुदेव को सहायता मिले, सुख शांति रहे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सद्भावना के बाद अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ दे देंगे। और लगातार बाहर से आने वाले भाई बहनों का आवागमन लगातार चल रहा है और संघ के साथ हमारे त्रिलोक जी वो चौके की बड़ी व्यवस्था संभाल रहे हैं और आना जाना पूछना चौके की सारी व्यवस्था करना, आप भरपूर सेवा का लाभ ले रहे हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके बाद मंगल पाठ। यमन संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रतन राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल गौरव वाचनाचार्य पाद्य प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं सभी पूज्य गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार करता हूँ तथा उनके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करता हूँ। गुरु निवास दरबार में पधारे सभी को मेरी सादर जय हो। बाहर से पधारे गुरु भक्तों का श्री ऐसे जय पर स्थित जन्म के लिए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है तथा उनके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन भारत घर में की गई है। कृपया सेवा का अवसर देकर हमें अनुग्रहित करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही कार्यालय कक्ष में नकार मंत्र का 17 घंटे का जाप चल रहा है जिसमें आज का जाप श्री कुंजस राय सुभाष जैन श्री जैन रबड़ परिवार एक ही द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा कल का जाप श्री चैन दास सुभाष जैन प्रवीण जैन तेंदाल जी परिवार द्वारा संचालित होगा। सभी से हार्दिक अनुरोध है कि अधिक से अधिक जाप में भाग लेकर धर्म का बनाए। जैसा कि आप सबको सूचित है कल अगस्त माह के प्रथम रविवार पर सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनातम धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई रोग जो अब प्राणी करे आराम।
सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामी मथेन वंदा नमस्सामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जेयं पज्वासामी मथेन वंदे।